नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपको हेल्थियंस के एक और एजुकेशनल सीरीज इनिशिएटिव के वीडियो पे। आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम अपने बच्चे को एंगेज कर सकते हैं और उसे बिजी रख सकते हैं उसके कोरोना वायरस के लॉकडाउन के दौरान। अब सबसे पहले, क्योंकि लॉकडाउन है, बच्चों के स्कूल्स बंद है, बच्चा हमारे साथ घर पे 24 घंटे है, तो अभी सबसे पहला बहुत ज़रूरी है पहले कि हम बच्चे को, अगर वो थोड़ा समझदार बच्चा है, 6-7 साल के ऊपर है, तो थोड़ा उसको हम एजुकेट करें कि हम ऐसा क्यों हुआ, आपके स्कूल्स क्यों बंद है, ये इस वायरस के बारे में बच्चे को थोड़ा सा एजुकेट कीजिए कि इसका ये वायरस कैसे आया है, कहाँ से आया है, पूरे वर्ल्ड में ये फैला है और ये कैसे एक दूसरे पे ट्रांसमिट हो सकता है, और इसके जो है डूज एंड डोंट्स प्रॉपरली बच्चे को समझाइए। बच्चे को हैंड हाइजीन के बारे में बताइए, हैंड सैनिटाइजेशन के बारे में सिखाइए, और आप खुद भी एंश्योर कीजिए कि बच्चा फ्रीक्वेंटली जब भी कुछ टच कर रहा है, कुछ छू रहा है, फ्रीक्वेंटली दिन में जो है एवरी आवर वो अपने हाथ वाथ धोता रहे और साफ सुथरा रहे। दूसरी बात है कि अब बहुत ज़रूरी है कि बच्चे का आप एक शेड्यूल बनाएं, क्योंकि 24 घंटा बच्चा आपके साथ घर पे है तो ये नहीं कि आप उसको वे हार ऐसे ही रह देंगे, उसको प्रॉपरली टाइम पे उठना, उसका एक टाइम लर्निंग एक्टिविटी पे इन्वॉल्व कीजिए। बहुत से स्कूलों ने ये चीज़ अच्छी की है कि ऑनलाइन जो है क्लासेस चल रही है बहुत स्कूलों से, तो वो या तो वो ऑनलाइन क्लासेस आप उसको दीजिए कि वो क्लासेस अटेंड करें प्रॉपरली रेगुलरली, और आप खुद भी इन्वॉल्व होइए, पता लगाते रहिए कि क्या क्या चीज़ें हो रही है, ताकि आप बच्चे का जो है जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही है उसका फॉलोअप आप घर में जो भी एक्टिविटीज़ टीचर्स दे रहे हैं वो आप उसके साथ इन्वॉल्व होकर करवाइए। वरना फिर अगर कुछ ऐसा नहीं हो रहा है तो आप बहुत सारे ऑनलाइन लर्निंग ऐप्स हैं वो सब डाउनलोड करके बच्चे को जो है लर्निंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर सकते हैं। उसके अलावा जो है आप बच्चे को जो है घर के छोटे छोटे कामों में आप उसको इन्वॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि आप अभी घर में मेड आप मेड नहीं आ रही है क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का मामला है, बाहर की मेड हम अंदर नहीं ला सकते, सब लोग घर का काम खुद ही कर रहे हैं, तो बच्चे को भी छोटे छोटे काम जो उसके एज के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट है आप वैसे काम बच्चे को दे सकते हैं, जैसे कि पानी की बोतल भरना, गिलास वहाँ रखना, खाना खाने के बाद अपना प्लेट जगह पे रखना, इस तरह की चीज़ों में बच्चे को इन्वॉल्व कीजिए छोटे छोटे घर के कामों में। थोड़ा बहुत मूवमेंट भी बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है, आप क्योंकि वो बाहर जा नहीं सकता, पार्क में खेल नहीं सकता, घर के अंदर ही या तो आप अपने साथ बच्चे को कोई फ्री हैंड एक्सरसाइजेस में इन्वॉल्व कीजिए, कोई जंपिंग एक्टिविटीज़ वगैरह में, या फिर कोई इसका फेवरेट म्यूजिक बजा दीजिए जिसमें वो डांस वांस करके थोड़ी बहुत उसकी मूवमेंट हो जाए। उसके अलावा जो है बच्चे के साथ प्यार से कोई ग्रुप गेम्स वगैरह आप पूरी फैमिली मिलकर खेल सकती है, जैसे कि सांप सीढ़ी हो गया, लूडो हो गया, जो भी गेम बच्चा पसंद करता है वैसा गेम आप सब मिलकर खेल सकते हैं, या कोई भी एक्टिविटी जो बच्चा को करने में इंटरेस्ट है वैसी एक्टिविटी आप बच्चे को करने के लिए एनकरेज कीजिए। उसके अलावा जो घर में, अब क्या है कि बाहर का खाना तो खा नहीं सकते, घर में ही बच्चे के लिए आप लोग एंश्योर कीजिए कि तरह तरह के मील्स आप प्रिपेयर करें जो टेस्टी हो, कलरफुल हो, और बच्चे को ये फील भी ना हो कि वो बहुत टाइम से जंक फूड वगैरह या फिर जैसे ना चॉकलेट वॉकलेट के लिए क्रेव कर रहा है या ज़्यादा अनशन पिज्ज़ा बर्गर मांग रहा है, तो वो सब अनहेल्दी फूड्स अवॉइड ही करना है। अभी घर के अंदर ही आप घर में ही जो है हेल्दी फूड को थोड़ा टेस्टी तरीके से बच्चे को प्रिपेयर करके उसको परोसिए ताकि बच्चा उसको एंजॉय कर सके, और उसके उसके साथ साथ अगर बच्चा ये बोले कि बहुत टाइम हो गया मैंने अपने फ्रेंड्स से मिला नहीं हूँ, पार्क तो खाली है, मैं बाहर जा सकती हूँ, उसे समझाना है कि बाहर नहीं जाना है, जो भी है अगर कुछ भी आपको चाहिए अपने फ्रेंड से बात करनी है तो आप फ़ोन से जैसे कि वीडियो कॉलिंग या किसी तरह से अपने क्लास फ्रेंड से बात कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, तो बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग की इंपॉर्टेंस भी इक्वली समझानी है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, स्टे एट होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, गुड बाय।